हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 18x60। फ्रंट इसका 18 फिट दिया, लंबाई इसकी 60 फिट रखी है, जिसमें आपको बाइक पार्किंग के साथ में 4 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट देगा। सिंगल स्टोरी का आपका प्लान है, कम से कम खर्चे में अपना प्लान तैयार करा सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते अपने 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है, पूरा कंप्लीट अटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से जाल भी दिया गया है, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, देख सकते हैं। सिंगल स्टोरी का आपका प्लान है, कम से कम खर्चे में अपना प्लान तैयार करा सकते हैं पूरा 18x60 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से रैंप दिए बाइक पार्किंग के लिए, उसके बाद यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस साइड देख सकते हैं पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 फीट का गेट मिलता है, गेट के ऊपर रोशनदान लगाया हुआ देख सकते हैं। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले 5 फीट का स्पेस दिख जाता है कुछ इस तरीके से गैलरी टाइप का। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको बैठक दिख जाती है। सबसे पहले देख सकते हैं आप बैठक के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से विंडो उपलब्ध कराई गई है, ये आपके फिक्स विंडो है, ये आप विंडो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से कूलर भी लगा सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x12, ये 10x12 की आपकी बैठक दी गई है, देख सकते हैं आप 10x12। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके जीना मिल जाता है, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 6 इंच दी है, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। ये स्टेशन आप देख सकते हैं ये 3x6 का बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने के नीचे यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम दिख जाती है, इसका मैंने साइज रखा 6x6। ये 6x6 की आपकी कॉमन लैट्रिन बाथरूम दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बाइक पार्किंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 फीट की गैलरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको 4 फीट की गैलरी दिखती है। गैली से आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटीग्रेट मिलेगा और वेंटिलेशन इस साइड से आपको विंडो मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। अगर आप इस साइड विंडो लगाना चाहते हैं, इस साइड भी आप विंडो लगा सकते हैं। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है कुछ इस तरीके से। इस रूम का मैंने साइज रखा है 10x13, ये 10x13 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं आप 10x13 का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटीग्रेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से रूम दिख जाता है, देख सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज रखा है 10x13, ये सेम साइज़ के आपके दोनों रूम दिए गए हैं 10x13 के। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2.5 फीट का स्पेस मिल जाता है, ऊपर मैंने 4 रखा है, लेटरिन बाथरूम का और हॉल का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा, ऑल टाइम उजाला भी बना रहेगा आपके हॉल में। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लेटरिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी आपकी लेटरिन बाथरूम दी है, जिसका मैंने साइज रखा है 5x7 है, 5x7 की आपकी लेटरिन बाथरूम कंबाइंड दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है, यहाँ पे आराम से डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हैं। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा है 10x12, ये 10x12 का आपका हॉल दिया गया है, देख सकते हैं आप 10x12 का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से रूम दिख जाता है, देख सकते हैं आप। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 11x12, ये 11x12 का आपका रूम दिया, वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है, ये 3x6 का स्पेस दिया हुआ है, ऊपर मैंने 4 रखा है, किचन का रूम का फुल्ली वेंटिलेशन होता रहेगा, 11x12 का आपका रूम दिया गया है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप किचन मिल जाती है कुछ इस तरीके से, ओपन आपकी किचन दी, अगर आप किचन क्लोज करना चाहते हैं यहाँ पे आप गेट लगा सकते हैं, क्लोज आपकी हो जाएगी, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से आपको किचन दिए। किचन का मैंने साइज रखा है 6x9, ये 6x9 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं 6x9, पीछे आपका स्पेस दिया 3x6 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18x60 में कुछ इस तरीके से 4 BHK हाउस प्लान कंप्लीट बना है, बाइक पार्किंग के साथ में यहाँ पे आपको सेपरेट लेटरिन बाथरूम दी है, कॉमन लेटरिन बाथरूम दी है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से आपका प्लान पूरा बना हुआ है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना प्लान तैयार करा सकते हैं इजीली। कंप्लीट अटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी है, वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से जाल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। सिंगल स्टोरी का आपका प्लान है, देख सकते हैं आप कम से कम खर्चे में अपना प्लान तैयार करा सकते हैं 18x60 में। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आए, पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखें, धन्यवाद।